चलिए आज देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। हाय गाइस, आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन है कि हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेंथ यानी कि द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है। द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है? तो चलिए पहले इसको समझते हैं, उसके बारे में इसको जानेंगे फिर, है ना। देखिए द्वितीयक तरंगिका क्या है समझेंगे पहले। यहाँ समझिए कि द्वितीयक तरंगिका में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश का सोर्स है, कोई लाइट का सोर्स है, ये है ना, सोर्स ऑफ लाइट, यानी जैसे बोल सकते हैं बल्ब, सूर्य, कोई भी चीज़, है ना, ये है। और उससे क्या होता है कि इससे प्रकाश निकलती है और ये प्रकाश के वेग से गमन करते हुए आगे बढ़ती है। प्रकाश के वेग के गमन करते हुए क्या करती है? आगे बढ़ती है। और एक निश्चित समय अंतराल पर, है ना, नए सोर्स का निर्माण होता है, नए सोर्स का फिर निर्माण होता है, फिर ये प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती है, फिर ये क्या होते हैं, प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती है और फिर एक निश्चित समय के अंतराल फिर एक प्रकाश के सोर्स का निर्माण करती है, है ना। उसी तरह से फिर ये बढ़ते जाएगी, ये आगे क्या होगा, फिर बढ़ते जाएगी और इस तरह से फिर एक नए सोर्स का निर्माण करेगी। तो ये जो पहले सोर्स का निर्माण करती है इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं? तरंगाग्र, तरंगाग्र, तरंगाग्र के नाम से जानते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। और इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेव फ्रंट, यानी कि प्राथमिक तरंगाग्र बोलेंगे। और जैसे ही यहाँ पर एक निश्चित समय के अंतराल पुनः एक दूसरा वेव फ्रंट का निर्माण करेगी, जिसको बोलेंगे न्यू तरंगाग्र, यानी कि नया वेव फ्रंट, नया तरंगाग्र, है ना, न्यू वेव फ्रंट बोलेंगे इसको, है ना, नए तरंगाग्र का निर्माण करेगी। और कुछ समय अंतराल क्या होता है कि फिर एक तरंगाग्र का निर्माण करेगी और इसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इस सोर्स के लिए एक न्यू नया तरंगाग्र का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, है ना। तो ये जो प्रकाश के वेग से गमन करती है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये जो प्रकाश के वेग से गमन करती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। वेवलेट मतलब होता है तरंगिका। वेवलेट मतलब क्या होता है? तरंगिका होता है, है ना। तो इस प्रकाश के सोर्स से जैसे ही प्रकाश निकलती है तो किस कैसे गमन करती है? प्रकाश के वेग से ये गमन करती है और जैसे ही ये समय अंतराल में नए सोर्स का निर्माण करती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगाग्र, यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव फ्रंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक तरंगाग्र बोलते हैं। उसके बाद फिर ये थोड़ा दूर आगे बढ़ती है तो उतना ही समय अंतराल फिर से एक न्यू तरंगाग्र का निर्माण करती है, नए तरंगाग्र का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं न्यू वेव फ्रंट, वेव फ्रंट बोलते हैं। और ये जो प्रकाश के वेग से ये आगे बढ़ रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट मतलब द्वितीयक तरंगिका। क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिका, है ना। तो ये निश्चित समय अंतराल पर ये क्या करती है? गमन करती है। और ये सब एक दूसरे पर लंबवत होती है। कैसा होती है? 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे पर पड़ती है। तो एक दूसरे पर क्या होती है? ये लंबवत होती है, है ना। तो देखते हैं इसके आगे। चलिए इसी के बारे में वहाँ पर चर्चा क्या हुआ है कि ये है क्या, है ना, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हाइगेंस ने सेकेंडरी वेवलेट का क्या सिद्धांत दिया। तो इस सिद्धांत के अनुसार से, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु, वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु, वेव फ्रंट का क्या है कि प्रत्येक बिंदु न्यू वेव फ्रंट के लिए, वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु नए वेव फ्रंट के लिए मतलब न्यू तरंगाग्र के लिए नए सोर्स के तरह काम करता है, जो नए न्यू वेव फ्रंट का निर्माण करता है। हमने तुरंत देखा अभी कि इस तरह से एक सोर्स था, इससे प्रकाश की लाइट जा रही थी और तुरंत फिर यहाँ से एक नए सोर्स का निर्माण करती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? न्यू वेव फ्रंट। क्या बोलते थे? न्यू वेव फ्रंट, है ना, न्यू वेव फ्रंट बोलते थे, न्यू वेव फ्रंट कहते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? तो दूसरा नंबर है कि सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट जो है सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गमन करती है। अभी तुरंत हमने देखा कि सेकेंडरी वेवलेट जो है वो सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गमन करती है,
और सेकेंडरी वेवलेट वेवलेट क्या है, सेकेंडरी वेवलेट वेव फ्रंट पर लंबवत होती है। ये भी मैंने देखा अभी कि सेकेंडरी वेवलेट क्या होती है, वेव फ्रंट पर लंबवत होती है, वेव फ्रंट पर लंबवत होती है ना। अब देखिए किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में सेकेंडरी वेवलेट को स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा नए तरंगाग्र का निर्माण करती है ना। किसी निश्चित समय में मतलब एक समय अंतराल बोले थे ना हम, समय अंतराल में एक निश्चित समय में जो नए तरंगाग्र को स्पर्श करती है वो स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, नए तरंगाग्र यानी न्यू वेव फ्रंट कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यू वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेवलेट को हम लोग प्रकाश की किरण भी कहते हैं। तो सेकेंडरी वेवलेट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण को भी कहते हैं। तो सेकेंडरी वेवलेट यानी ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या वाला बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे प्रकाश की किरण भी हम लोग कहेंगे। और यही प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और यहाँ पर ये नए सोर्स का निर्माण हो रही है, ये पहला समय अंतराल यहाँ पर था जिसको हम लोग प्राइमरी, जिसको हम लोग क्या बोले थे, प्राइमरी वेव फ्रंट बोले थे। और यहाँ पर एक नए सोर्स का निर्माण हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव वेव फ्रंट बोलते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी में फेयर में उतार लीजिएगा और हम लोग चलते हैं अब दूसरा नए क्वेश्चन को जानेंगे। तो आज इतना हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको जो है आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, है ना, फेयर कर लेना है आप लोगों को इसको। चलिए अब देखते हैं नए पेज में नया क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है कि हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट का थ्योरी के आधार पर परावर्तन की घटना का वर्णन करें। मतलब हाइगेंस ने जो सेकेंडरी वेवलेट का थ्योरी दिया उसी के आधार पर क्या करना है, उसी के आधार पर हमको हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट के थ्योरी के आधार पर क्या करना है, परावर्तन की घटना को का वर्णन करना है। कैसे परावर्तन की घटना होती है उसका वर्णन करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक समतल सरफेस ले लिए हैं। समतल मतलब क्या होता है, प्लेन, है ना, प्लेन सरफेस यहाँ पर ले लिया गया है। क्या है, प्लेन सरफेस एक ले लिया गया है यहाँ पर। ये एक मिरर है ना, मिरर मतलब क्या, आईना। ये प्लेन सरफेस एक ले लिया गया है और इसमें जो है हम लोग प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं, पर आप प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, आपतित करते हैं। तो यहाँ पर एक वेव फ्रंट का निर्माण हो रहा है, देखिए गौर करके। और ये जैसे ही यहाँ पर आपतित होगी तो पहला यहाँ से जो आपतित हो रही है ये इस जगह पर आपतित हो रही है। ये आपतित होने के बाद कैसे परावर्तित हो रही है, इस इधर परावर्तित हो रही है ना, आपतित होने के बाद इधर परावर्तित हो रही है। फिर दूसरा वेव, यही वेव फ्रंट का दूसरा इंड जो है वो यहाँ पर आपतित हो रही है और परावर्तन होने के बाद फिर यहाँ कहाँ, इधर परावर्तित हो रही है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला तो यहाँ पर आपतित तरंगाग्र ये है, ये आपतित हुई और ये यहाँ से परावर्तन हो गई। तो ये हो गया क्या, परावर्तित तरंगाग्र, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित तरंगाग्र कहेंगे। और ये जो है टकराने के बाद क्या है कि भी टी वेग से, मतलब क्या, यहाँ से इसका जो है टी समय में भी वेग से ये ए बिंदु से कहाँ पहुँच गया, डी बिंदु तक। ये जो है टकराने के बाद ए बिंदु से डी बिंदु तक कितना समय में पहुँचा, टी समय में, और कितना वेग से, भी समय, भी वेग से, कितना वेग से पहुँचा, भी वेग से। इसलिए यहाँ पर इसको क्या लिखें, भी टी लिख दिए। तो हम लोग कह सकते हैं ए से टी के बीच की दूरी, ए से डी के बीच की दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, भी टी हो जाएगा। उसी तरह से ये वेव फ्रंट जो है ये भी समय में, ये भी टी समय में भी वेग के साथ, टी समय में भी वेग के साथ ये बी से सी तक पहुंचा, कहाँ तक, बी से सी तक पहुंचा। तो हम लोग कह सकते हैं कि भी से जो बी से जो सी तक की दूरी है वो कितना है, भी टी। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझ गए कि यहाँ जो है हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग ए डी बराबर कितना हो जाएगा, भी इंटू टी। काहे कि यही भी वेग से टी समय में कहाँ तक, डी तक पहुँचा ए से। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं भी सी बराबर भी इंटू टी। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये जो प्रकाश की स्रोत है ये भी ना यहाँ से जो है निकलकर कहाँ तक पहुँची, यहाँ से निकलकर ये कहाँ तक पहुँची, ये सी बिंदु तक पहुँची। तो इसके बीच की दूरी कितना जाएगा, भी इंटू टी हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ए भी इंटू टी ए डी के भी बराबर है और भी इंटू टी बी सी के भी
बराबर है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ए डी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा, ए डी बी सी के बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको हम लोग जो यहाँ पर लिखे हैं उसी चीज़ को मान लेते हैं, और माना तो हम लोग आप लोग जानते हैं कि हर एक वो चीज़ जो हम लोग फिगर में बनाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, है ना। हर एक वो चीज़ जो हम लोग फिगर में बनाते हैं उसको क्या करते हैं, मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे माने हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने क्या है, एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह, इसको मान लेते हैं एक्स और वाई एक समतल परावर्तक सतह है जिस पर ए बी वेव फ्रंट आई कोण पर आपतित होती है। तो ये देखिए ए बी वेव फ्रंट जो है, ए बी वेव फ्रंट ये वाला ए बी वेव फ्रंट क्या हो रही है, आई कोण पर आपतित हो रही है, और आपतित होती है जो आर परावर्तन कोण पर सी डी परावर्तित वेब फ्रंट, ये जो सी डी परावर्तित ये वाला जो है सी डी परावर्तित वेब फ्रंट जो है वो क्या है कि वेब फ्रंट के रूप में परावर्तित हो जाती है। और पुनः माना ए और बी, ए और बी बिंदु से निकलने वाला सेकेंडरी वेवलेट, और ए और बी बिंदु से अब यहाँ से जो टकराया ये तो प्राइमरी वेवलेट था ये वाला, ये जो था क्या था, ये प्राइमरी वेवलेट था, लेकिन जैसे ही टकरा कर यहाँ से जो निकला ये कौन सा वेव फ्रंट हो जाएगा, सेकेंडरी, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट, इस जिसको मैंने ऊपर में दर्शाया भी है सेकेंडरी वेवलेट पे ना, दर्शाया ना सेकेंडरी वेवलेट को, देखिए सेकेंडरी वेवलेट के रूप में इसे दर्शाया है ना। तो ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट है। तो इसी चीज़ को मैंने नीचे माना है कि ए बी एक समतल परावर्तक सतह है जिस पर ए बी वेव फ्रंट आई कोण पर आपतित हो रही है। ए बी वेव फ्रंट क्या हो रही है, ए बी वेव फ्रंट आई कोण पर आपतित हो रही है, ए बी वेव फ्रंट आई कोण पर आपतित हो रही है, आई कोण पर आपतित हो रही है, और आर परावर्तन पर सी डी परावर्तक परावर्तित वेव फ्रंट के रूप में परावर्तित हो जाती है। पुनः ए बी से निकलने वाला सेकेंडरी वेवलेट, तो ए बी से निकलने वाला क्या था, सेकेंडरी वेवलेट, यही ना है ए बी से निकलने वाला सेकेंडरी वेवलेट, वो क्या है कि ए बी से निकलने वाला सेकेंडरी वेवलेट टी समय में भी वेग के साथ, टी समय में भी वेग के साथ, तो वही बताया अभी मैंने कि टी समय में जो है भी वेग के साथ कहाँ, डी सी तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, डी सी तक पहुँचा। देखिए एक बार फिर से, यहाँ पर ए बी से टकराया और यहाँ से टकराने के बाद कितना, बी टी से, कितना से, ये जो है भी टी वेग के साथ कहाँ तक, डी तक पहुँचा, और ये ए बी से निकलने वाला भी टी वेग से कहाँ तक, सी तक पहुँचा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बी सी जो है, यानी ये जो बी सी का ये जो बीच की दूरी है, ये जो बी सी के बीच की दूरी है ये भी टी के बराबर होगा। ये मैंने पहले ही देख चुका है, ऊपर भी में भी मैंने बताया ये चीज़, है ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका सल्यूशन। चूँकि अभी हम लोगों ने तुरंत क्या देखा कि ये जो बी सी है वो भी टी के बराबर है, और ए बी क्या है, ये ए डी जो है ये भी टी के बराबर है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए डी बराबर, ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए डी बराबर बी सी, है ना। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी। तो त्रिभुज ए बी सी कौन सा है, ये वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी, और ए डी सी कौन सा है, ये वाला ए डी सी है, त्रिभुज ए डी सी है, है ना। अब इसमें देख रहे हैं कि बी सी और ए सी, ए सी ये क्या है, बराबर है, बी सी और ए सी, बी सी और ए सी क्या है, बराबर है। ए सी क्या है, कॉमन है, ए सी तो देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो है ये इस त्रिभुज में भी है, और ये वाला जो है ए सी ये इस त्रिभुज में भी है, तो ए सी जो है कॉमन है दोनों में है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये वाला जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, दोनों कितना है, 90 डिग्री है, दोनों कितना है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी के, ए बी सी किसके सर्वांगसम होगा, ए डी सी के सर्वांगसम होगा।
आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि ये इसके सर्वांशम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी यानी त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए कौन बी ए सी, कौन बी ए सी ये वाला हो गया, ये वाला कौन क्या हो गया बी ए सी, है ना। उसी तरह से कौन बी ए सी बराबर कौन क्या हो जाएगा, कौन डी सी ए, कौन डी सी ए ये वाला कौन, ये वाला कौन जो है इस कौन के क्या होगा बराबर हो जाएगा, ये वाला कौन इस कौन के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि कौन जो है ये कौन, ये क्या है जब सर्वांशम है ये दोनों बराबर है, ये वाला त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी दोनों बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या ये जो कौन ए डी क्या है, कौन ये दोनों त्रिभुज बराबर है तो ये कौन अपने आप इस जो है वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये कौन और ये कौन अपने आप क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, है ना। तो कौन आई भी कौन आर के बराबर हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कौन परावर्तन में कौन आई जो है वो क्या होता है कौन आर के बराबर होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह परावर्तन का क्या है नियम है। और परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण क्या कहता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है, जब तीनों एक ही तल में तो यही ना परावर्तन का नियम है, ये क्या है परावर्तन का नियम है, है ना। चलिए अब इसको आप लोग नोटबुक में उतार लीजिएगा, आप लोग नोट से देखकर उतारिए या फिर इससे देखकर उतारिए, किसी से भी देखकर उतार सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।